हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल टेक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम बदलकर अब ग्लोबल टेक इंडिया हो गया है, जो कि पहले कम्युनिटी टेक था। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएलसी के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पीएलसी क्या है, पीएलसी की हिस्ट्री क्या है, और इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, और ऑपरेशनल सीक्वेंस क्या है इसका, लैडर लॉजिक क्या होता है। हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे मोटर को ऑन और ऑफ करने का, और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड फॉर मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट्स अरेंजमेंट्स, एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंजेस, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट। तो दोस्तों, इसके फुल फॉर्म से ही हम लोग जान सकते हैं कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो ये एक ऐसा कंट्रोलर है जिसको हम लोग अपने दिमाग से या लॉजिक लगाकर उसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ये एक ऐसा कंट्रोलर है जिसको हम लोग लॉजिक के द्वारा प्रोग्राम करते हैं, और ये रीप्रोग्रामेबल होता है, उसको हम लोग बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा कि आपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया, उसको आपने पीएलसी में लोड कर दिया, और जैसा आपने प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से पीएलसी हमारा वर्क करेगा। अब ये प्रोग्राम कैसे करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं, ये पीएलसी आया कहाँ से। तो दोस्तों, ये पीएलसी सबसे पहले 1960 में आया, जनरल मोटर्स के डिमांड करने पर। बेडफोर्ड एसोसिएट्स के कुछ लोगों ने पीएलसी बनाया था, जिसका नाम था मॉडिकॉन, जिसका मॉडल नंबर 084 था, जो कि ये बेडफोर्ड एसोसिएट्स का 84th प्रोजेक्ट था। दोस्तों, मॉडिकॉन का मतलब था, मॉडिकॉन का फुल फॉर्म था मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, और मॉडिकॉन का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है डिक मॉडली को, जिसको पीएलसी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद मॉडिकॉन एक ब्रांड बन गया और अलग अलग कंपनियों ने इसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएलसी बहुत ही बड़ा होता था, और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन होते होते पीएलसी बहुत ही छोटा हो गया और फंक्शंस भी डेवलप्ड हो गए। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ मेजर कंपोनेंट्स देखेंगे पीएलसी की, क्या है मेजर एलिमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, प्रोसेसर होता है, इसके अंदर एक मेमोरी भी होती है। तो दोस्तों, हम लोग पीएलसी को पावर सप्लाई देते हैं, हम लोग इनपुट में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेंसर, पुश बटन्स, कॉन्टैक्ट्स, लिमिट स्विचेस, और जो हमने प्रोग्रामिंग किया है प्रोग्रामिंग डिवाइस के जरिए, जो कि हमारे कंप्यूटर है जिससे हम लोग केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनपुट देंगे, वो इनपुट चला जाएगा सिग्नल प्रोसेसर को, यानी सीपीयू को चला जाएगा। सीपीयू अपनी मेमोरी में खोजेगा, हमारे पास कुछ लैडर लॉजिक है, यानी अपनी मेमोरी में तलाश करेगा। जैसे ही तलाश करेगा, वो उसी हिसाब से आउटपुट दे देगा। तो दोस्तों, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, हमारा मोटर हो सकता है, सोलोनाइट्स हो सकता है, कॉन्टेक्टर्स हो सकता है, अलार्म्स कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, देखिए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉमन पीएलसी क्या होता है। पावर सप्लाई होता है, जनरली 24 वोल्ट डीसी पे ही ये पीएलसी वर्क करता है। इनपुट मॉड्यूल्स होता है, जैसे कि आप मैंने बताया, इनपुट मॉड्यूल्स में कुछ भी हो सकता, स्विचेस हो सकता है, सेंसर हो सकता है, और इसका एक प्रोसेसर भी होता है जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएलसी ऑपरेशन सीक्वेंस क्या है। पहले ये सेल्फ टेस्ट करता है, टेस्टिंग ऑफ इट्स ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर फॉल्ट्स। सेल्फ टेस्ट करता है, अपने हार्डवेयर को चेक करता है, अपने फॉल्ट्स को, सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट्स है यानी चेक करता है। सेकेंड है इनपुट स्कैन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पीएलसी सारे डेटा जो है, सारे जो प्रोग्राम है, अपने इनपुट में कॉपी कर देगा और उसको एक मेमोरी में सेव कर देगा। थर्ड नंबर है लॉजिक सॉल्व या स्कैन, इनपुट को यूज करते हुए लैडर प्रोग्राम सॉल्व होता है, जैसे ही सॉल्व होता है वो आउटपुट को अपडेट कर देता है। फोर्थ नंबर है हमारा आउटपुट स्कैन, लैडर स्कैन जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो लॉजिक को जो है आउटपुट को अपने अंदर मेमोरी में अपडेट कर लेता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ पीएलसी,
मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इनकाउंटर्ड इन पीएलसी प्रोग्रामिंग आर लैडर लॉजिक, पहला होता है लैडर लॉजिक, दूसरा होता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, तीसरा होता है सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, चौथा होता है बूलियन नेमोनिक्स। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में मैं आपको छोटा सा इंट्रो दूंगा लैडर लॉजिक क्या होता है। लैडर लॉजिक जो है बहुत ही पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएलसी का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल है, ये मेक कॉन्टैक्ट ऐसे ही होता है। यहाँ पे ये मेक कॉन्टैक्ट का सिंबल है, देख सकते हैं मेक कॉन्टैक्ट। और ये है दोस्तों एनसी, नॉर्मली क्लोज, ये देख सकते हैं इस तरह का सिंबल होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, इसको ब्रेक कॉन्टैक्ट भी कहते हैं या एनसी भी कहते हैं इसको। इसको दोस्तों एनओ कहते हैं नॉर्मली ओपन, क्योंकि ये ओपन है, सर्किट ओपन है। ये एनसी है क्योंकि सर्किट क्लोज है, यहाँ से करंट आराम से पास हो सकता है, बट यहाँ से करंट यहाँ से इजीली पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है। तो दोस्तों इसको कॉइल बोलते हैं हमारे लैडर प्रोग्राम में, इस तरह का सिंबल को कॉइल बोलते हैं, रिले कॉइल। तो आइए देखते हैं लैडर लॉजिक फॉर बेसिक गेट्स क्या है। हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही है कि बेसिक गेट्स क्या होते हैं। तो बेसिक गेट्स जो होते हैं ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिटल सिग्नल है, ये जो है 1 0 1 0, ये इस टाइप के सर्किट्स होते हैं। ये एनालॉग नहीं होते हैं, जैसा कि एनालॉग सिग्नल हम लोग जानते हैं ऐसे कुछ इस टाइप का दिखता है, ये एनालॉग सिग्नल नहीं होते। ये जो बेसिक गेट्स, ये एनालॉग सिग्नल नहीं होते हैं, ये होते हैं डिजिटल सर्किट्स। इन डिजिटल सिग्नल्स में जो होता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप होता है। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन भी हम लोग कहते हैं या बुलियन रिलेशनशिप भी कहते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं गेट्स कितने टाइप के होते हैं। गेट्स दोस्तों 5 टाइप के होते हैं 5 टाइप्स। जो है हमारा पहला और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नैंड गेट और पांचवा है हमारा नॉर गेट। तो दोस्तों ये जो पहला 3 होता है इसको हम लोग बेसिक गेट्स भी बोलते हैं। बेसिक गेट्स क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इन तीनों की मदद से ही हम लोग बाकी गेट्स को बनाते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं एंड गेट पे। इसका ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, ये इनपुट ए है, इनपुट बी है और ये लॉजिक है, यानी हमारा आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों पहले कंडीशन पे चलते हैं, जब स्विच ए ऑफ रहेगा और स्विच बी ऑफ रहेगा तो हमारा आउटपुट भी ऑफ ही होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर ये स्विच ऑफ है मतलब ये ओपन है, और स्विच बी यानी ये भी ओपन है, तो हमारा आउटपुट भी ऑफ होगा क्योंकि यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। पावर यहाँ आएगी, यहीं पर रुक जाएगी, इसके बाद जा ही नहीं पाएगी। तो सेकेंड पे चलते हैं, पहला ऑफ रहेगा यानी ये ऑफ रहेगा, सेकेंड वाला ऑन हो जाएगा, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑन हो जाएगा, मतलब ये एनसी बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज, ये प्रेस करेंगे तो एनसी बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहला स्विच ए ऑफ है, दूसरा ऑन हमने कर लिया, तो फिर भी हमारा जो आउटपुट है रिले कॉइल ऑफ ही रहेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पावर आएगी तो इसके बाद आगे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है दोस्तों, यहाँ से इन दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो पावर यहाँ जाएगी नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए ये भी आउटपुट बंद ही होगा, ऑफ ही रहेगा। थर्ड वाला है दोस्तों, स्विच ए ऑन रहेगा, स्विच बी ऑफ रहेगा। तो दोस्तों देखिए, स्विच ए को हम लोग ऑन कर देते हैं, यानी इसको हम लोग एनसी बना देते हैं, नॉर्मली क्लोज, और स्विच बी ऑफ ही रहेगा यानी एनओ है, ये नॉर्मली ओपन है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पहला ऑन रहेगा यानी एनसी होगा, और सेकेंड वाला ऑफ ही रहेगा, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले वाले को ही प्रेस करेंगे हम लोग तो फिर भी हमारा जो आउटपुट ऑफ रहेगा। क्यों दोस्तों, देखिए पावर यहाँ से आ रही है, यहाँ तक जाएगी क्योंकि नॉर्मली क्लोज हो चुकी है, प्रेस किया हमने स्विच को, हमने इस स्विच को प्रेस किया, तो ये
सिग्नल यहाँ से पावर जो यहाँ तक यहाँ आके रुक जाएगी, इसके बाद इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, सर्किट यहाँ से ओपन है, तो ये फिर भी ऑफ ही रहेगा। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जब स्विच ए ऑन रहेगा और स्विच बी ऑन रहेगा तो ही जाकर हमारा रिले कॉइल ऑन होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा एमसी बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और जब हम स्विच बी को प्रेस करेंगे तो ये भी एमसी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये ऑन है, स्विच ए ऑन है, स्विच बी ऑन है, तो हमारे ये कॉइल भी ऑन हो जाएगा क्योंकि पावर यहाँ से इजीली यहाँ से कॉइल को मिल जाएगी और कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सेकेंड वाले पे, और गेट पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो सर्किट है इस पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या कहता है, स्विच ए अगर ऑफ है यानी हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, और स्विच बी ऑफ है यानी ये भी ऑफ है, दोनों नॉर्मली ओपन है, तो फिर भी लॉजिक जो है हमारा यानी आउटपुट हमारे रिले कॉइल ऑफ रहेगा क्योंकि ना पावर यहाँ से उधर जा पा रही है और ना यहाँ से उधर जा पा रही है। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि स्विच ए अगर ऑफ रहेगा और स्विच ए ऑन रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों देखिए, स्विच ए अगर ऑफ है यानी ये एनओ है, ये एनओ है, नॉर्मली ओपन है, बट अगर स्विच बी अगर प्रेस्ड है, अगर ये प्रेस करते हैं तो ये हमारा एनसी बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और पावर जो है यहाँ से इसको यहाँ से कॉइल को मिल जाएगा, कॉइल जो है हमारा एनर्जाइज हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्विच ए अगर ऑन है और स्विच बी अगर ऑफ है तो फिर भी हमारा जो कॉइल है ऑन ही होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, स्विच ए ऑन है यानी इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो ये एनसी बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और इसको हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑफ ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो पावर डायरेक्ट इसको चली जाएगी कॉइल को और ये कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगा, तब भी ये ऑन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, स्विच ए अगर ऑन है और स्विच बी भी ऑन है तो लॉजिक जो हमारा आउटपुट जो है वो भी ऑन होगा। तो दोस्तों अगर ये भी ऑन है और ये भी ऑन है यानी दोनों नॉर्मली क्लोज है तो इसको भी पावर यहाँ से भी मिल जाएगी और इसको पावर भी यहीं से मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं होगा, फिर भी दोनों कंडीशन में ये ऑन ही रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट क्या होता है और नैंड गेट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन क्या है, और हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे मोटर को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है पीएलसी के लैडर डायग्राम के जरिए। इस टॉपिक का पार्ट टू जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।